अच्छी तरह सोच लो अर्सला बेटा, ये सब इतना आसान नहीं। मेरे पास सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है मेरे सर चाचा, मुझे तो यहाँ वापस ही नहीं आना चाहिए। खैर छोड़ो, मैं साबिर से बात करता हूँ। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। इंशाल्लाह मिल जाएगा काम, आप फिक्र मत कर। कितनी समझदार है मेरी बेटी, काम भी ढूंढ रखा है इसने। ये तो हमें मिलने आई है, हम ऐसे ही काम खाब। जीती रहो। चले मदसर चाचा, हमें देर हो रही है। इतनी जल्दी क्या है बेटा, दोपहर का खाना खा के जाना। तुम्हारी पसंद का पुलाव बनाऊंगी, देखो तो जरा। अपने हाथ से मैंने अपनी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं पकाया, कुछ खिलाया भी नहीं। मुझे क्या पता था तुम इतनी जल्दी चली जाओगी। नहीं माँ, गुड्डू, अरे किधर हो भाई, जल्दी से आओ, अर्सला जा रही है। खुदा हाफिज़ तो कर लो। मुदस्सिर चाचा, जल्दी चले, हमें देर हो रही है। तुम्हें यकीन है कि तरीन के यहाँ तुम एडजस्ट कर लोगी खुद को? देखो बेटा, तजीन तुम्हारी चची की दोस्त ज़रूर है, लेकिन मैं उनको या उनकी फैमिली को बिल्कुल नहीं जानता हूँ। एक आध बार की सरसरी सी मुलाकात है। आप मेरी फिक्रमंद मत हो चाचा, वैसे भी मुझे काम ही करना है। और अभी आपके सामने ताजीन आंटी से बात हुई थी ना रास्ते में, वो मुझे काम पे रखने के लिए राजी हो गई है, और वो भी खुशी खुशी। खुदा तुम्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा तुम्हें वहां छोड़ने का, अजीब से वसवसे आ रहे हैं दिल में। आप इतना ना सोचे मुदस्सिर चाचा, इतना तो मेरे घर वालों ने भी मेरे लिए नहीं सोचा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा, खुदा हाफिज़।